शिवरात्रि स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले का समापन हो जाएगा। माघ मेले के आखिरी स्नान पर्व शिवरात्रि पर्व को लेकर सुबह से ही संगम घाट में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सूरज के पहले किरण के साथ ही श्रद्धालु संगम घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई और माँ गंगे का आशीर्वाद दिया। इसके साथ साथ इस पर्व के साथ ही माघ मेले पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जो एक माह बसा तंबुओं का शहर अब उखड़ जाएगा। इसी पर्व के साथ साथ जितने माघ मेले में संस्था हैं वो सभी अपने वापस चले जाएंगे। शिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व के साथ ही साथ माघ मेले से हर कोई अपने घर के लिए रवाना हो जाएगा। शिवरात्रि स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन पूरी तैयारी में था। सुबह से ही सभी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ माघ मेले में लगभग 6 घाट बनाए गए थे, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते नजर आए हैं। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। आज के दिन जो है गंगा शिव भगवान और माता पार्वती की विवाह हुआ था, और यह दिन आज महापवित्र और पावनमय है। इसलिए हम लोग आज गंगा जी नहाने आए हैं। गंगा मैया की जय हो। मेरा नाम मीना मिश्रा है, मैं अल्लाहपुर प्रयागराज आती है। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन आज जो है साल का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज महाशिवरात्रि, आज के दिन जो हमारा जो जो लिंग है, उस प्रतीक है, वो आज ही उत्पन्न हुआ था पृथ्वी पे, और आज ही माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ है। मेरा नाम योगेश मिश्रा, भरद्वाजपुरम प्रयागराज से। महाशिवरात्रि के आज इस पावन पर्व पर और माघ मेले के अंतिम स्नान पर प्रातःकाल से लगभग 30-35 हज़ार के आसपास श्रद्धालु और स्नानार्थी यहां पर मेला क्षेत्र में आके स्नान के उपरांत जो मेले क्षेत्र के आसपास मनकामेश्वर मंदिर, नागवासुकी मंदिर और महाशिव जो अरैल क्षेत्र में सोमेश्वर घाट के पास सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। व्यापक पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं। जल में सुरक्षा के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग और फ्लड कंपनीज के जवान और SDRF नियुक्त है। जो हमारे मंदिर हैं वहाँ पर पुरुष कर्मी और महिला कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं मेला क्षेत्र के अंदर की भी की गई हैं। संगम क्षेत्र तक वाहनों को आने दिया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही है।